गुड इवनिंग, नमस्कार। मेरा नाम सुजय गुप्ता है और आप देख रहे हैं कालो डॉट इन प्रेजेंट्स सैटरडे स्टारडम लाइव। लास्ट वीक हम लोग मिले अभिजीत सावंत से, जिनके साथ की हमने खूब सारी बातें और हाँ, उन्होंने हमें कई सारे मजेदार गाने भी सुनाए। हमारी आज की गेस्ट एक ऐसी अदाकारा है जिन्होंने अपने एक्टिंग की शुरुआत दिल्ली में थिएटर से की। अभी हाल फिलहाल में उनकी एक बहुत ही सक्सेसफुल मूवी आई छपाक। So ladies and gentlemen, please join me in welcoming the very beautiful and talented Payal Kapoor Nair. Let's connect with her. Payal Kapoor Nair, welcome to our show. Thank you for joining in. बहुत अच्छा लगा आप हमारे साथ जुड़ी हैं आज हमारे सारे audiences के साथ. How are you? What's happening post lockdown? ऐसा मतलब कैसा रहा आपका lockdown? हाय सुजय एंड ऑल एंड हाय टू ऑल द व्यूअर्स। लॉकडाउन बहुत अच्छा चल रहा है मेरा तो, मुझे आई डोंट हैव एनी कंप्लेंट्स। हाँ, थोड़ा बहुत एक फीलिंग होती है कि आप कहीं घर से बाहर नहीं निकल सकते, दोस्तों से मिल नहीं सकते, बट थैंक्स टू द टेक्नोलॉजी यू नो एवरीबडी इज ऑन जूम एंड वी कैन डू व्हाट्सएप वीडियो कॉल्स और व्हाटएवर। सो धीरे धीरे वो भी एक जो एक फीलिंग थी वो भी चली गई है और लॉकडाउन काफी अच्छा गया है। मैंने शायद कभी इतना क्रिएटिव काम अपने करियर में नहीं किया, बिकॉज आइदर यू आर बिजी शूटिंग और यू गोइंग एंड मीटिंग पीपल और यू ऑडिशनिंग फॉर वर्क, तो उस हिसाब से तो काफी अच्छा रहा। हाँ मतलब, और मेहनत भी की, मशक्कत की, वेट भी लूज हो गया थैंकफुली, क्योंकि घर पे खुद काम कर रहे थे, झाड़ू पोछा सब कुछ और खाना बनाना एंड एवरीथिंग, सो इट्स बीन प्रीटी गुड। या ओके, आपने बहुत सारा थिएटर किया है, यू डन मूवीज, यू डन टीवी, यू डन वैरायटी ऑफ पॉजिटिव, नेगेटिव एंड सपोर्टिंग रोल। हाउ हैज दिस जर्नी ऑफ योर बीन, एंड आवर ऑडियंसेस वुड लव टू नो हाउ यू स्टार्टेड। माय जर्नी हैज बीन वेरी गुड, और सच कहूं तो 20 साल हो गए मुझे अभी मुंबई में। आई केम टुवर्ड्स द एंड ऑफ 99 एंड अभी ऑगस्ट में 20 साल हो गए हैं मुझे, और ऐसा लगता है कि अभी तो कल की बात थी, यू नो हाउ टाइम फ्लाइज। सो आई थिंक दैट्स अ साइन वेयर थिंग्स हैव काइंड ऑफ बीन वेरी गुड। ऑफ कोर्स डल पैचेस भी थे, विदाउट वर्क वाले पैचेस भी थे, बट आई थिंक दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट। और कुछ अपने आप से आए जब काम नहीं मिल रहा था, और कुछ ऐसे आए कि मैं जिस तरह का काम करना चाहती थी वो मेरे पास नहीं आ रहा था, तो आई हैड टू टर्न डाउन फ्यू प्रोजेक्ट्स, बिकॉज एज एन एक्टर आई फील के जब आप आते हैं और इस इंडस्ट्री में शुरुआत करते हैं, देन यू नीड टू ग्रो एज एन एक्टर, एज एन आर्टिस्ट। एंड जब काफी, जैसे आपने कहा कि आई हैव डन सो मच डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क, पॉजिटिव, नेगेटिव, कैमियोज एंड एवरीथिंग, सो एक पॉइंट ये भी आता है कि आई डोंट वांट टू रिपीट माय सेल्फ, बिकॉज देन मेरी ग्रोथ एज एन एक्टर क्या है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो द जर्नी हैज बीन वंडरफुल, एंड व्हेन आई शिफ्टेड फ्रॉम दिल्ली, तो मेरे बहुत सारे जो दिल्ली के थिएटर के दोस्त थे, लाइक गजराज राव हैं और भी बहुत सारे लोग हैं, वो सब ऑलरेडी यहाँ थे, सुजीत सरकार हैं, वो ऑलरेडी यहाँ थे, उन लोगों ने मेरी मदद की टू गिव मी कॉन्टैक्ट्स एंड टू रेकमेंड मी, बिकॉज दे हैव वर्क विद मी इन थिएटर, उन्होंने मेरा काम देखा हुआ था, तो वो बहुत अच्छी मदद थी। एंड देन व्हेन यू कम हियर, यू मीट, एंड मैं अपना थोड़ा होमवर्क करके आई थी दिल्ली से, मैंने शोज देखे थे, मुझे पता था कि मुझे इन इन टेलीविजन में डायरेक्टर्स के साथ काम करना है। हाँ, ये तो नहीं था कि मतलब जाते, ये कोई दिमाग में नहीं था कि भैया हीरोइन बनना है फिल्म की, एंड आई वॉन्टेड टू डू गुड वर्क। यस, सो आई हैड काइंड ऑफ मेड अ लिस्ट ऑल्सो, सो आई केम हियर, आई ट्राइड मीटिंग पीपल, आई मेट श्याम बेनेगल जी, अनफॉर्चुनेटली आई नेवर वर्क विद हिम, बट स्टिल आई called him up, and you know, and that was like very nice. These people, they are ready to meet you, they're always looking for new talent, so the journey has been quite fantastic, Anshul. Yeah. And college time pe to you were in Delhi, you've done your college from Delhi. Delhi ki kya yaadein hain abhi, aur kya favorite cheeze aapko lagti hain Delhi mein, what are the
यू नो चाइल्डहुड मेमोरीज हैंगिंग आउट वो क्या है? सो मैंने दिल्ली में अपनी स्कूलिंग और कॉलेज दोनों वहीं किया. मैंने अपना मास कम्युनिकेशंस भी वहीं किया, फ्रैंक एंथनी नेक्स्ट टू एलएसआर. देन आई वेंट टू जीसस एंड मैरी कॉलेज चाणक्यपुरी. ओके. और कॉलेज में तो मतलब वी वर लाइक धमाल. सो इट वाज रियली यू नो इट वाज अ गर्ल्स कॉलेज. दो मैं पोएट स्कूल से थी तो मुझे लग रहा था यार गर्ल्स कॉलेज में जाना है, मतलब आई कांट डू दिस. बट जब कॉलेज आए लाइक फर्स्ट ईयर में द वे यू नो वी हैड अ गैंग ऑफ लाइक 10 फ्रेंड्स एंड वी देन यू नो चाणक्य के बाद निरुलास है तो हम वहाँ चाणक्यपुरी में निरुलास पे जाते थे वहां पर कॉफी पीने एंड ऑल दैट मस्ती. वी वुड गो एंड वॉच फिल्म्स एंड वी वुड हिचहाइक एंड गो बिकॉज देयर वर 10 ऑफ अस. And our college also was very protective that time because, you know, it's about, like it's also in a diplomat area. So yes. There used to be securities and all also. Then a lot of fun we had. Then, of course, when I finished college and I did my mass communications from YMCA. Okay. And that was also a great experience. Then I started, I was doing theater us time pe. Aur actually, jo meri professional theater ki shuruaat thi, wo YMCA se hi hui. Okay. Because my theater guru Ashok Puran, he was conducting workshops there. और हम लोग classes के बाद, it was a part-time course, so हम classes के बाद हम theater workshop करते थे and वहीं से मेरा था कि भाई यही करना है. Though after doing my mass communication, I also worked as a copywriter in an advertising agency. So मैंने सोचा कि ये करूँगी और theater करूँगी. So you know both it will be a balanced kind of thing. So that new theater will not make me earn that kind of money I wanted to earn a decent livelihood in Delhi. Right. And aise karte karte and of course Delhi to matlab winters is amazing. Of course not with the pollution, without yes. the pollution. Without the pollution. So, you know, and you have this, you wear all the jackets and mufflers and boots and then you have like a swag style and you're going to Janpath. Delhi ka actual campus mein nikalta hai. Absolutely. And even the food culture, khana itna acha, and so I had great time in Delhi. So yeah. So you mentioned you've done through YMCA and you started your professional theater there. Who's been your biggest inspiration to acting and what kind of family support you got and everything? So see, we've been watching films and all. My mother is, she's also a film buff. और वो एक हमारे मतलब फैमिली में, I'm the only child. हमारी फैमिली में वैसे extended family में भी कोई ऐसे actor कभी नहीं बना था. Okay. So मैं school से ही कर रही थी stage. I've directed one or two plays in school also. Okay. In that inter college inter school competitions. So my mom knew के हाँ इसमें है वो you know. Inclination had towards drama, dramatic arts and all that. So they were initially थोड़ा सा था क्योंकि classes के बाद में rehearsal होती थी तो घर आते आते late हो जाता था तो from YMCA सरदार पटेल मार्ग से. So there was little के अकेली आ रही है लड़की and you know how it is. So Delhi में parents feel के भैया सब धुआँ मतलब sun ढलते ही तुम घर आ जाओ and all that. Yeah. थोड़ा सा वो लगा but once they saw me on stage, they saw me perform. So it was, and then I had worked with Amal Alana. So we had performed for NSD Festival. So my, it was also a teleplay which we did with Manohar Singh, who's late Manohar Singh is a stalwart and a you know veteran. Yes. And seeing him on stage, and it was a whole musical. So I was very fortunate to have worked with a lot of good people and learn the craft as on the go. So Ranjit Kapoor ke saath maine kaam kiya hai kafi, Piyush yeah. Mishra ke saath. We had another group called the Entertainers. So Ranjit Bhai ka humne play kiya. Ranjit Kapoor was also a playwright and he's written Bandit Queen and other scripts and all also. Yes, he was doing Ek Ghoda Che Sawariya. So it's been very good. So I think that the whole the environment was so amazing culturally and theater and everything that I think it was just a matter of time and I really enjoyed it. So yeah. So in Chapak, you played the role of Shirad Jamshed Ji. That role was applauded by audiences across the globe. Did you meet her in person and observe the work, or was it just a script and director acting initiative? So
बेसिकली इन छपाक जितने भी रोल हैं, ऑल द रोल्स आर बेस्ड ऑन रियल लाइफ कैरेक्टर्स. माइंड टू शिराज जमशेद जी, शी इज अ सोशल एक्टिविस्ट who's been working with women and children issues for a long time. So मैं उनसे मिल नहीं पाई थी because she's in Delhi. Okay. But Meghna ma'am, उनका जो उनकी script है और जो उनकी research है on Chapak and on life of Lakshmi Agarwal, on whose life this film is based, and the character was played by Deepika Padukone as Malti. Yeah. So the research and the script was so extensive. So all the material, how she is and what is her background, everything was given to me by the director and the direction team. So but unfortunately I couldn't meet Shiraz, the character which is there. वैसे ड्यूरिंग द मूवी छपाक का जब रिलीज होने वाला था, दीपिका ऑल्सो वेंट एंड अटेंडेड दैट CAA प्रोटेस्ट इन JNU, एंड वो र्यूमर आने शुरू हो गए थे कि भाई मूवी के बॉक्स ऑफिस रिजल्ट उस वजह से डाउन हुआ है. इज इट ट्रू? आई डोंट नो जय, मतलब सी नाउ यू नो वी ऑल नो कि क्या हो रहा है इस वक्त, बातें बनाने वाली बातें. हां, सो मीडिया को कुछ भी, एंड स्पेशली न्यूज़ चैनल्स, यू नो हाउ थिंग्स आर बीइंग पैंड आउट एंड हाउ थिंग्स हैव बीन क्रिएटेड एंड फॉल्स थिंग्स हैव बीन यू नो क्रिएटेड जस्ट टू गेट द TRPs हाई. And so you just created that. Now you tell me something. A bigger star like Deepika Padukone, does she need that kind of a publicity stunt? Absolutely to do? Not. Absolutely. No. And having said that, when there's so much of protest happening, आपको नहीं लगता कि उन्हें ये नहीं पता होगा कि if she, मतलब yeah. A, this is not a publicity stunt, and yeah. secondly, she really fell for the cause, and that's why she turned. Don't you think we all knew that if somebody, nobody wants to jeopardize the publicity, the momentous for the release of the movie. So yes. I mean, obviously not. She really felt for that, and she was there in for promotions, but she really felt and connected to the cause, and she resonated with it, and that's why she went and attended it. But you know how things with that, मतलब लोगों को मसाला चाहिए बनाने का और उस चीज को जो I think news channels को first है वो अच्छी सी मसाला करी बनाने. Exactly, that's what exactly happened. एंड अभी आपने OTT Z5 पे भी आपने यू डन दिस सीरियल परछाई, आई बिलीव. एंड व्हाट इज द डिफरेंस यू फील, देयर इज अ डिफरेंस, इज देयर अ डिफरेंस बिटवीन द टेलीविजन प्लेटफॉर्म एंड द OTTs नाउ कमिंग इन एंड यू नो मूवीज बीइंग रिलीज्ड ऑन OTT नाउ, व्हाट्स योर प्लान फॉर दिस काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म्स? See, for an actor who have done theater, television, and you know now OTT also, acting style mein kuch bahut zyada fark nahi hai. Of course, theater we will not you know talk about because theater mein toh it's a different kind of feel and audience and all. But OTT mein and difference between OTT and television, the working ethics I would say or the working style hai, that is different. In television, you are never, you don't have a bound script ever. Because एक स्टोरी लाइन हो जाती है सब है, एंड देन डिपेंडिंग ऑन द TRPs स्क्रिप्ट्स कीप कमिंग, सो यू गो अलोंग एज यू नो यू शूट. बट ऑन OTT एंड ऑल यू हैव ए द होल प्री प्रॉड एंड एवरीथिंग हैपेंस मच मच बिफोर, ठीक है. बट आई परछाई वॉज एन एपिसोडिक विच आई डिड. परछाई वॉज ऑल्सो इट वॉज अ सीरीज ऑन बेसिकली ऑन रस्किन बॉन्ड स्टोरीज, गोस्ट स्टोरीज. सो आई डिड वन ऑफ द एपिसोड्स, ओवरकोट जिसका नाम था. एंड सो ये था कि बट इवन इफ यू डू सीरीज, लॉन्ग सीरीज एज इन द सीजन वाइज ऑन OTT, सो इट्स वेरी प्लान्ड आउट, इट्स मोर मेथोडिकल. आपको स्क्रिप्ट दी जाती है, एक प्रॉपर प्री प्रॉड होता है, रीडिंग होती है, विच इज मोर और लेस समथिंग सिमिलर टू व्हाट हैपेंस इन फिल्म्स. लाइक इवन फॉर छपाक वी हैड लाइक 4-5 रीडिंग्स, वी हैड 2-3 रीडिंग्स विद दीपिका, एंड देन वी हैड द एंटायर कास्ट रीडिंग ऑफ यू नो इट हैड अ ह्यूज कास्ट, सो ऑलमोस्ट लाइक the main primary cast here around 20-30 people. So right. it's very planned out. In television doesn't happen because you are churning out episodes every day and because your telecast is there. So that is I think the difference. And actors ke liye, yeah, maybe you can say because you get more prep time in films and in OTT if you're doing a series. You get more prep time to get into the character, to do research or to read, and you go very well prepared. In television, ये है कि हाँ आपका ये हुआ, and you straight away jump into it, and then you explore things how and when it happens. Right.
Yeah. There's just a live question. Somebody has asked about one of your best friends right now. Also, your pal during the lockdown, Mittu, the parrot. Ah. Has seen on all social media. Is she around? Yes, she's around. She's sitting on one wooden parapet which we have here. So, and you know, Sujay, there's a very interesting story I want to say here. So, it was around June month, and before that, I live in a very nice community and all. So, friends were saying that someone's parrot ho gaya hai, ud gaya hai. So, they were like trying to search that parrot and all that. वो नहीं मिला एंड पैरट्स के लिए कहते हैं दे आर नॉट एज लॉयल एंड एज डॉग्स लाइक इफ दे फ्लाई ऑफ दे वुड माइट नॉट कम बैक अगेन और व्हाटएवर एब्सोल्युटली सो ये कहा जाता है सो आई वाज लाइक एंड आई वाज थिंकिंग एट दैट टाइम व्हेन लॉकडाउन स्टार्टेड दैट जब खुलेगा तो इवन आई वांट अ पेट बिकॉज दे आर ग्रेट स्ट्रेस बस्टर्स दे आर अ कंपनी टू कीप एंड ऑल दैट सो वन फाइन डे आई जस्ट हैड यू नो आई जस्ट केम आउट ऑफ माय बाथरूम एंड ऑल दैट एंड आई सॉ दिस पैरट ऑन माय बालकनी Okay. And making noises, yeah. She just flew from nowhere and she landed there. So I was a little excited. So I said, "Acha chalo." And his friend has told me, you know, ke parrot, if you like, dheere dheere unko pataoge with mirchi and all, they'll if they're hungry, they'll come and sit on your shoulder. So that's what I did. I went and I offered mirchi to her. At that time, I didn't know the gender, frankly. There is also a like male parrot and a female parrot. Yes. Male parrot apparently have their red ring around them. So yes. At that time, I didn't know. I googled it later. Okay. So I offered a mirchi and dheere dheere karke and she came and sat on my shoulder. And then she came inside the house. And I offered her apple and all that. And I was very excited because she started talking, Mithu, Are Mithu and all that. So, ye samajh mein aa gaya tha, it's a domesticated parrot. Kahin se aayi hai udke, whatever. So, we spread a word around ki kisi ka koi parrot to nahi hai jo udke aa gaya ho, we can return it. But everybody says ki no, there is one parrot who kind of is a visitor in every home like that. Hamare ghar bhi aaya tha, hamare ghar bhi aaya tha. Wo teen chaar, matlab do din, chaar din, jiski jitni wo thi, reh ke chali gayi. चलो ठीक है वी थॉट चली जाएगी बट शी स्टेड ऑन ओके शी स्टेड ऑन इट्स ऑलमोस्ट लाइक 4 मंथ्स शी इज बीइंग विद मी एंड व्हाट अ ग्रेट स्ट्रेस बस्टर शी इज एंड यू नो इट्स लाइक अमेजिंग सो दैट इज व्हाट आई डिडंट गो लुकिंग फॉर इट इट जस्ट केम टू माय हाउस लाइक दैट या सो या एंड दे आर वेरी इंटेलिजेंट पैरट्स आर वेरी वेरी इंटेलिजेंट दे आर वेरी स्मार्ट या They're very smart, so we have a place for her, so we make her sit there and she, the moment she's hungry, she knows her times, so she'll start talking, she'll come and sit with me when I'm having my chai, I have to offer her biscuit or whatever, then we give her seeds, we give her vegetables and all, so she's a great pal now to have here and she, Mittu has become quite famous on social media because I was posting her videos so everybody was like wow, they were so you know jealous of me and you got a great time pass so Payal we'll do this next segment which we call as a one word one line answer we'll ask a few questions from you and then We'll expect the answer to be either in a word or maximum a line. Are you ready for it? Okay. Yes, I think so. Yeah, okay. You have a gift hamper for this? Oh, yeah. That comes after the show. I'm just kidding. No. So, okay. Cool. Let's start. First question. Yes. Who is the best and worst secret keeper in your family? Worst, best is my mother. Okay. She's the best secret keeper. Mm-hmm. And the worst is my dad, I think. correct. Yeah. Unse pet mein koi baat nahi rakhi jaati, unko bolna padta hai. Papa, ye baakiyon ko nahi batana hai. Baakiyon ko nahi batana. But in his excitement, he, you know, he spilled the news. Yeah. Better actress, Alia or Deepika? Tough question. I've not worked with Alia, so I don't know. Whatever I've seen, she's very good, but for me, Deepika. She's fantastic. She's fabulous. Yeah. What is the meanest thing that someone has said about you?
आई डोंट नो यार, आई थैंकफुली किसी ने कुछ कहा भी हो तो मेरे तक तो कुछ नहीं आया, सो आई रियली डोंट नो, बट या ओके, सो आई मे बी गिविंग दैट वाइब्स, बट पीपल थिंक इट वोंट बी अ मीनेस्ट, बट दे से बहुत खड़ूस है यार. And when they get to know me, then they realize कि नहीं, she's good at art. आज का ये probably आएगी बात, जो लोग ऐसा सोचते होंगे ना, वो बिल्कुल सोचना बंद कर देंगे. I'm sure of that. My fingers. Lot of my best friends who are my friends now, but the first impression which I give that's like full of attitude, huh? Oh. Of attitude. I don't know why. मेरी शक्ल ही ऐसी है शायद. What cheers you up the most? Good music. Okay. Of course, Mithu's pranks now, yeah. But good music cheers me up, really. Or a good piece of work, good piece of acting really cheers me up. Okay. If I see something. What's your one favorite thing in your closet right now? Favorite thing? Sorry, yeah, I think my watch. I love big dial watch. Yeah. Okay. Nice. Who's the finest actor in Bollywood right now? बहुत सारे हैं यार. मतलब you talking about males or females or just like one? Across finest actor. Oh, this generation. Yeah. There are lots, yaar. I mean, it's very difficult to say. देखते या बोलते हो कि भाई इसके ऊपर कोई नहीं है. See, if of course for me Irfan Khan was, I mean, you know, God bless his soul. But right now, if I have to say, Jaideep Alawat, very good. Absolutely, I agree. Yeah, can you see Mithu behind? Yes, see, yes, he's there. You can see. Yes, he's just. Mithu. So she's just come and she knew के उसके बारे में बात हो रही है. The audience is now can see. Beautiful. Yeah. What's your favorite movie? Hollywood, Bollywood, what? I'm sorry, I'm asking you these any. Anything, okay, anything that comes to your mind like this. Okay, Road to Perdition. Wow, fantastic. Yeah. Mumbai ki chaat या दिल्ली के छोले भटूरे? Mumbai ki chaat. Okay. I'm not such a Chole Bhatura fan, so Mumbai ki chaat. Yeah. And the last question is your favorite co-actor. My favorite co-actor. I have worked with a lot of them. बड़े सारे हैं यार. मतलब एक को कैसे, how would I say? There are lots I've worked with. I've worked with Shabana Ji also. Yeah. I think Shabana Ji, because I worked with her in two projects. One was a British series called Next to Kin, and one was Sorry Bhai. So she's so much senior to me. I can't even call her my co-actor in that sense, but Shabana Ji. Yeah, still, of course, you felt really nice working with her. Yes, yeah. Yes. So this was our one word, one line answer. Very well done. And I think the kind of comments now just floating in, sabko bahut maza aa raha hai. People are really liking those answers. Or actually, सबको ये पता लग रहा है कि आप इतना कड़ूस नहीं हो. You are such a friendly natured person. Yes, thankfully, yeah. Okay. So, a few more questions before we end today's session. Tell me something. ये इतना ज़्यादा ये scandals अभी बॉम्बे में चल रहे हैं. Industry पूरी divided दिख रही है. What do you have to say about ये? Nepotism आ गया, फिर उसके बाद एक drugs का scene आ गया. What do you think? What's happening? मतलब काफी negativity आ रही है. How do people and काफी confusion है इस वक्त Bollywood में. दो तीन अलग अलग different school of thoughts हो गए हैं आज की date में. जो एक time पे Bollywood used to be like you know, one solid family. What has happened? Don't you think that's also been played out by media? जो कोशिश की जा रही है टू ब्रिंग इट अ डिवाइड. अदरवाइज इट्स नॉट लाइक दैट. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री इज अ ब्यूटीफुल इंडस्ट्री. आई हैव बीन पार्ट ऑफ इट फॉर लास्ट 20 इयर्स एंड व्हाटएवर माय एक्सपीरियंस इज आई कैन टॉक अबाउट दैट. दुख होता है बहुत देखकर, क्योंकि ये एक आई डोंट नो कि किस बड़े प्लॉय का हिस्सा है. व्हाई आर वी थिंग्स डूइंग. सी, नेपोटिज्म एंड ऑल हर इंडस्ट्री में है. इट्स नॉट दैट फिल्म इंडस्ट्री ही एक अलग है. और
as a lot of people have said, nepotism will not take you far. You know, you may get, if you're a film, if you're a big film actor or producer's son or daughter, may, if you don't have a talent, it will not take you far. So basically, वो सारे मुद्दे, it's a very debatable thing. Yeah. तो जो अभी जो divide है, and I feel, frankly, if I'll tell you, the core of the industry is still very together. Jay, that we are not divided. We know that there is work for everyone. Yes. आपको मेहनत करनी है, talent होना चाहिए, perseverance होना चाहिए. जितना आप में क्षमता है, उसकी उस हिसाब से. Of course, then there is a good and a bad in every industry, but this industry in Mumbai, when I came, and it has accepted everyone, I think, with open arms. It's called a dream city. Absolutely. So, इसमें अगर आप में जज्बा है करने का, it will accept it. It will accept you. So, it's all played out in the media. It's not reality because we, as an entertainment, we're always under microscope. हमारे को एकदम मतलब हमारी छोटी से छोटी चीज को बड़ा बना दिया जाता है. और वही हो रहा है. It is making. I'm not saying it's मुद्दे हैं, but then you can't blow them out of proportion so much. कि आप उसमें जबरदस्ती वो दरार डालने की कोशिश करो. Correct. आप एक इंसान को भड़काओ. It's not that. It's a good industry to be in. Yes, yes. I agree with this. आप तो सिंटा के भी member हैं. Very actively you do a lot of webinars on stress management. And सिंटा ने भी अभी पीछे अभय भार्गव जी से भी हमारी बात हुई थी. हमारे दर्शकों ने बात की थी. And industry workers को बहुत support किया था during the lockdown. Yeah. How do you think this industry, I mean, ये जो मीडिया में चल रहा है कि इंडस्ट्री ऐसी है वैसी है, I think इसके अलावा भी इस इंडस्ट्री का एक ऐसा रूप सिंटा पर्सनली दिखाता है that they've been helping people out. How is the revival process happening and what are you doing about it? So I am also part of being a Cinta member, which is the largest organization, yes, association of actors in Mumbai in India. Mm-hmm. So I'm also part of the executive committee. I'm the elected member there. So you're right. Lockdown ke time, बहुत सारे हमारे साथी कलाकार हैं जो day to day workers रहे हैं. मतलब उनको per day के उस पे रहे हैं और मतलब वो इतने बड़े स्टार्स नहीं हैं और बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं है आई कैन से. सो उनके लिए सर्वाइवल वही था. और अब शूटिंग बंद हो जाने के कारण फैमिलीज को दे कांट सपोर्ट. दे हैव मेडिकल बिल्स, दे हैव यू नो डे टू डे नेसेसिटीज एंड ऑल विच. सो लॉट ऑफ पीपल हैव कम फॉरवर्ड एंड यही स्टार्स हैं बड़े बड़े, इतने बड़े बड़े स्टार्स हैव कम फॉरवर्ड एंड डोनेटेड सो मच ऑफ मनी फॉर यू नो हेल्पिंग दीज हमारे साथी कलाकारों के लिए. सो दैट it's been amazing. You know how Sonu Sood is working. Yes. वो तो इतना बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं. Yes. But Naseer sir, Shabana ji, Vidya Balan, so many actors have come forward and donated money and सबको राशन पहुँचाया गया है. किसी की ज़रूरत हो, किसी की medical problems हैं, वो की गई है. So it's been fantastic and that's what I'm saying. I'm so proud to be part of this industry. के सुन के ना एक्चुअली लगता है कि ये मीडिया इतना ओवरहाइप कर रहा है इन चीजों को और वही चीज है, सही चीज है उसको कोई कवर करने को तैयार नहीं है. एग्जैक्टली, आप अच्छी चीजों को हाईलाइट नहीं कर रहे हो. आप जो थोड़ी बहुत जो उसके लूप होल्स हैं, जो थोड़ी बुराइयां हैं, आप उन्हें हाईलाइट करके उसका इतना वो बता रहे हैं. दैट्स नॉट नीडेड. यू नो यू नीड टू हाईलाइट द गुड थिंग्स ऑल्सो. That's the thing, and nobody wants to like you know then come out with the force. People do speak about it. It's not the bad industry at all. You hear stories. You see how many people have been helped during this pandemic. It's amazing. And Sonu Sood ne to sirf apne saathi ke liye he's helped the migrants. Everyone. Jo kaam establishment ka hai, jo kaam establishment ka hai. और आज मीडिया ही उनको भी ब्लेम कर रहा है कि भाई उन्होंने भी ऐसा कर दिया है वैसा कर दिया है. So I think it's all about the TRP game for these guys. But I think I would take it on me if people like me also we try to portray such real beautiful stories through you know people who are actually doing it. You as a member of Cinta and Cinta itself as a body, it has done such wonderful work. We've actually seen on different shows on Saturday Stardom Live from different actors. So I think that's yes, we have done so many webinars on mental health. I just did one with a clinical psychologist. Wow. You know, because of the current, the way it's happening, you know, and it affects everyone. But yehi hai ki yahan hum log itna hum log hamesha publicity mein rehte hain, highlight rehte hain. Hamare
लोगों को, फैंस को, सबको जानने की वो रहती है. सो इट्स हाइलाइटेड बट इट इज नॉट. एंड डिप्रेशन कैन हिट एनीवन. इट इज नॉट जस्ट विद इन. ऑफकोर्स वी एज दे से दैट वी आर मोर क्रिएटिव पीपल. हम लोग चीजों को ज्यादा महसूस करते हैं, हमारी लाइवलीहुड इस पे है, बहुत सब होता है डिप्रेशन सबको. बट इट्स नॉट अ डिप्रेशन या एंजाइटी बाकी फील्ड्स में नहीं होती. पीपल हु आर वर्किंग इन एडवर्टाइजिंग, हु आर वर्किंग, हु आर लाइक लॉयर्स और एनीबडी हु हैज अ लिटिल हाई स्ट्रेस जॉब, एवरीबडी विल हैव बोथ. करेक्ट. बट दे नॉट स्पोकन आउट सो मच लाइक द वे वी आर डूइंग इन आवर इंडस्ट्री. और हमारे हाईलाइट वही है, हाईलाइट इतना ज्यादा किया जाता है क्योंकि लोगों को लगता है मसाला है. मसाला है. करेक्ट. भावना को कोई नहीं देखता है, वो मसाला लगता है सबको. सो ऑन दिस नोट आई वुड लाइक टू आस्क ऑफ यू फॉर अ मैसेज फॉर योर फैंस एंड द ऑडियंसेस राइट नाउ हु आर वाचिंग दिस शो. वुड यू लाइक टू गिव देम अ मैसेज? सो मेरा मैसेज यही है सारे दर्शकों को, सारे व्यूअर्स को, कि आप न्यूज देख रहे हैं तो देखिए. मैं तो नहीं देख रही हूँ. लेकिन अपनी धारणा बनाने से पहले दैट वेदर दिस इंडस्ट्री इज बैड, यू नो, रिमेंबर वन थिंग. जैसे मैंने कहीं पढ़ा था कि यू नीड आर्टिस्ट, यू नीड राइटर्स, यू नीड म्यूजिशियंस, स्पेशली ड्यूरिंग द टाइम व्हेन यू फेसिंग अ पैंडेमिक. बिकॉज जब आप घर पे रहते हैं, आपको एंटरटेन कौन करता है? हम कलाकार ही करते हैं. सारे कलाकार ही एंटरटेन करते हैं. और अगर उस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को अगर आप उस नजर से देखेंगे तो सभी के लिए मुश्किल है. बिकॉज हम अपनी लाइवलीहुड, हम अपना घर उसी से चलाते हैं. और हमारी हमेशा यही कोशिश रहती है कि अपने ऑडियंस को, अगर वो उस चीज से गुजर रहे हैं तो उसे उस चीज से निकालें. अच्छे अच्छे कंटेंट को देकर उनका एंटरटेनमेंट करें. म्यूजिक है, राइटिंग है, फिल्म है, OTT प्लेटफॉर्म पे है. सो हम भी इंसान हैं आप ही की तरह. हमें भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, हमें भी परेशानियां हो सकती हैं. तो हमारा साथ मत छोड़िए क्योंकि हम आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे. That's all I want to say. Wow, what a message. Fantastic. I'm sure. Now look at the kind of comments that are now flooding in literally. Thank you so much, Payal Kapoor Nair. Thank you for being on our show and sharing such noble and literally lovely thoughts. Thank you so much. Thank you so much, Ajay. Thank you to all my viewers. Thank you for having me on this Saturday Stardom Live. And I wish everybody to be safe and be happy. Thank you. All right. Bye-bye. Bye. So this was Payal Kapoor Nair, जिनके साथ की हमने बहुत सारी मजेदार बातें. एंड शी हैज गिवन अस अ वेरी ब्यूटीफुल मैसेज. आज के लिए इतना ही. अगले सैटरडे को 8 बजे एक और ऐसे सेलिब्रिटी गेस्ट को लाऊंगा जिनके साथ भी हम करेंगे बहुत सारी मजेदार बातें. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ वीडियो का लिंक जरूर शेयर करें, और हाँ, चैनल को भी सब्सक्राइब करें. दैट्स ऑल फॉर टुनाइट. I'll see you next Saturday at 8. Namaskar.